हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रेनो होम किचन में। आज हम बनाने जा रहे हैं कुट्टू के आटे की कचौरी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिया है 1 कप आटा कुट्टू का। उसके बाद से हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्ची कटी हुई, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, 2 आलू हैं जो बॉयल कर रखा है हमने और ये बिल्कुल गर्म आलू हैं, आधा चम्मच ब्रत का नमक। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं थोड़ी सी कटी हुई धनिया और इसको अच्छे से मैश करना है आलू के साथ। इस आटे को हमें आलू की ही हेल्प से गुनना है, आलू बिल्कुल गर्म होना चाहिए बॉयल किया हुआ और इसमें पानी का यूज हमें बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए इसी तरह हमें इस आटे को गूंथ लेना है। ये देखिए हमारा आटा लगभग लगभग गुद के तैयार हो गया है। अब हम हाथों को पहले क्लीन कर लेते हैं, ऐसे हमें एक डो बनाना है और उसके बाद से हमें हथेलियों पे थोड़ा सा घी लगाना है जिससे कि ये चिपके ना हाथों पे। और उसके बाद से इसका एक छोटा सा डो लेके और हमें पूड़ी की तरह अपनी हथेलियों पे इसको अंगूठों की हेल्प से इसको बनाना है अच्छे से। तो ये देखिए इसी तरह हमें बनाना है, जितना भी हमारा डो है सारा हमें ऐसे ही बनाना है सेम ही प्रोसेस से। और इसको कुट्टू के आटे की कचौरी इसलिए कही जाती है क्योंकि ये बिल्कुल आलू के साथ गुथा जाता है, इसलिए हम इसे कुट्टू के आटे की कचौरी कहते हैं हमारे यहाँ। तो ये देखिए हमें सारा सेम ही प्रोसेस से गूथ लेना है, बना लेना है। तो ये देखिए हमारी जो कचौरी है ये तैयार हो गई है और अब हम इसको चलते हैं तलने के प्रोसेस पे। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, व्रत के लिए खास करके होता है ये। तो मैंने यहाँ पे गैस पे पैन रख लिया और इसमें घी भी ऐड कर दिया है क्योंकि ये व्रत वाला कचौरी है तो घी में ही तलेंगे हम। तो और ये घी पूरा गर्म हो चुका है और अब हम इसमें एक एक करके इन सारी कचौरियों को ऐड करेंगे। पर इसको थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में, नॉर्मल जो कचौरी होती है और पूरी होती है इनसे थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे हमें पकाना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो चलिए अब हम इसको टर्न कर लेते हैं, दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। इसको 3 से 4 मिनट एक साइड से सेकना है। तो ये देखिए हमारी जो कचौरियाँ हैं वो तल गई हैं और अब हम एक प्लेट में इनको निकाल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इनको निकाल लिया और चलिए अब सर्व करते हैं। तो ये देखिए मेरे कुट्टू के आटे की कचौरियाँ बनके तैयार हो गई है। मैंने यहाँ पे हरी चटनी और दही के साथ सर्व कर लिया। हरी चटनी में मैंने हरी मिर्च और धनिया और ब्रत का नमक मिलाया है। आप इस तरह से बना के चटनी के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।